नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड्स, हमें देखना है कि ऑक्साइड्स क्या होती है। ऑक्साइड बेसिकली है क्या, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा तो उसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। अब हमारे पास ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेटल्स होते हैं। इनके साथ ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होगी तो ये वो मेटल ऑक्साइड्स कहलाएंगी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप फोर हो गया, फाइव, सिक्स, सेवन, इनके साथ अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा तो वो फिर नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास ऑक्साइड जो होती है ना, वो फोर टाइप्स की होती है। नंबर वन इज बेसिक ऑक्साइड, इसके नाम में बेस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो एज अ बेस बिहेव करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑक्साइड से कि बेसिक ऑक्साइड बेसिकली क्या है। बेसिक ऑक्साइड जो होती है हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होती हैं। अच्छा, दे आर यूजली मेटल ऑक्साइड्स, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं हो सकती। लेकिन क्या सारी की सारी मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड ही होती हैं, ये जरूरी नहीं है। अभी आगे दूसरी टाइप की ऑक्साइड पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगी बात। तो सोडियम ऑक्साइड सोडियम मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, दीज ऑल आर मेटल ऑक्साइड्स। और हमारे पास अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो, अभी थोड़ी सी आगे चलेंगे ना तो चीज क्लियर हो जाएगी। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स को, वो बेसिक ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, उनको जब हम पानी में डालते हैं, देखो हमारे पास जो ग्रुप वन की मेटल ऑक्साइड्स हैं वो तो सारी की सारी वाटर में सॉल्युबल होती हैं और सॉल्युबल होने के बाद वो एल्केली बना लेती हैं। लेकिन ग्रुप टू में सारी की सारी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होती, वो स्लाइटली सॉल्युबल होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसको जनरली हम कहते हैं कि वो डिजोल्व नहीं हो रही होती है पानी में, थोड़ी बहुत डिजोल्व हो रही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो रही है, वो एज अ एल्केली बन सकती है। लेकिन अगर कोई बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं भी हो रही, एल्केली नहीं भी बना रही, लेकिन उसको हम फिर भी बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेस वाला रिएक्शन जरूर करती है। याद है, अगर मैं एसिड को किसी बेसिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेशक पानी में डिजोल्व ना हो लेकिन वो रिएक्ट जरूर कर जाएगी एसिड से टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, न्यूट्रलाइज जरूर करवा देगी एसिड। तो इनको बेसिक ऑक्साइड कहने का रीजन ये है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। इनको अगर मैं बेसिक ऑक्साइड कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, दे रिएक्ट विद एसिड। ठीक, सही है, बेसिक ऑक्साइड इसलिए बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड इन वाटर। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऐसा नहीं है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ जरूर रिएक्ट करेगी टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड कहलाएगी। तो कौन कौन सी बेसिक ऑक्साइड बनती हैं, ग्रुप वन की ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होती हैं, ग्रुप टू की होती हैं और कुछ ट्रांजिशन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, ग्रुप वन, अच्छा मेटल्स में तो ग्रुप थ्री भी आता है, लेकिन मैं ग्रुप थ्री को यहाँ पे काउंट नहीं करवा रहा क्योंकि ग्रुप थ्री की जो ऑक्साइड्स होती है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर कर रही होती है, वो एज अ बेस तो काम कर रही होती है लेकिन वो साथ में एज अ एसिड भी काम कर रही होती है। तो उसको अभी हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो बेसिक ऑक्साइड होती हैं उनको बेसिक ऑक्साइड हम लोग वैसे बेसिक ऑक्साइड जो होती हैं वो, पहले तो ये याद रखो कि वो मेटल ऑक्साइड होती हैं। मेटल ऑक्साइड में ग्रुप वन के मेटल भी होते हैं, ग्रुप टू के मेटल भी होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल भी होते हैं। सेकेंडली, ये जो ऑक्साइड बनती है, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो कॉपर ऑक्साइड हो, इन सब में जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ये याद रखना। और थर्डली, ये जो ऑक्साइड्स बनती हैं ये यूजली दे आर वाइट सॉलिड्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वाइट सॉलिड्स ही हो, बट यूजली दे आर वाइट सॉलिड्स, लेकिन ये ग्रुप वन और ग्रुप टू की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू की जो वाइट सॉलिड ही होंगी, लेकिन कोई और बेसिक ऑक्साइड है जैसे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं।
अब या हम आगे भी पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? जो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में होते हैं। तो उनकी जो ऑक्साइड होती है वो कलर्ड ऑक्साइड होती है, जैसे कॉपर टू ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर की होती है। तो आगे ये भी देखेंगे हम कॉपर टू, सब सारी ऑक्साइड तो नहीं लेकिन कुछ ऑक्साइड से हम कलर भी देखेंगे। इसी तरह जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगी कि अगर मेरे पास ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन का कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, जैसे ग्रुप फोर का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रुप फाइव का जो है वो फॉस्फोरस ऑक्साइड हो गई, P4O10 होता है, ग्रुप सिक्स का सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर होता है, ग्रुप सेवन का क्लोरीन ऑक्साइड CLO2 क्लोरेट वाली, लेकिन ये बड़ी कम, ग्रुप सेवन की ऑक्साइड बहुत कम होती है। लेकिन जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्साइड बना लेती है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाती है। अब इनको एसिडिक ऑक्साइड कहने का क्या रीजन है? क्योंकि ये बेस से रिएक्ट करती हैं। बेसिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट कर रही थी। एसिडिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बेस से रिएक्ट कर रही है, और पानी में डिजोल्व होने पे बेसिक ऑक्साइड एल्केली बना रही थी, वो जो डिजोल्व हो रही थी, और जो एसिडिक ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होती है वो पानी में डिजोल्व होने के बाद एसिड बना लेंगी। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ग्रुप फाइव का है, नाइट्रोजन ग्रुप फाइव का है, तो ग्रुप फाइव की ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ डिजोल्व होने के बाद वो नाइट्रिक एसिड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ग्रुप सिक्स का है, नॉन मेटल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो ऑक्साइड होगी वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अभी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो हमने देखा है, लेकिन ये H2SO3 जो है वो सल्फ्यूरस एसिड, वो हम लोगों ने क्या कहते हैं पहले नहीं पढ़ा है, बट स्टिल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सल्फ्यूरस एसिड है फिलहाल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपको याद होना चाहिए। इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही है। तो अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये बेस ही एल्केली के साथ रिएक्ट करेगी, एसिडिक ऑक्साइड है, एल्केली ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी, जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कार्बन सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑलरेडी वो पानी के अंदर डिजोल्व है ना, एक्वस है। जब मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाली है किसी भी तरह डाली है तो वो पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और फिर वो जो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3 वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि गैस डाके डायरेक्टली जो है रिएक्ट कर जाएगी एल्केली के साथ, वो पानी में डिजोल्व होने पे एसिड बना लेगी और फिर वो एसिड जो है वो जाके रिएक्ट करेगा एल्केली के साथ, या अगर कोई बेस होगी तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। अच्छा, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और हमें पता है कि जो नॉन मेटल होते हैं ग्रुप फोर के, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन, ये लोग आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं, और इसमें अगर हाइड्रोजन भी डाल दो यहाँ तो हाइड्रोजन का काम नहीं है, लेकिन ये लोग नॉन मेटल जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट तो इसमें ऑक्सीजन है जो कि ग्रुप सिक्स का है, वो तो है ही नॉन मेटल। अब ग्रुप फोर उसके साथ लग रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रुप फाइव उसके साथ लग रहा है जैसे फॉस्फोरस ऑक्साइड, ग्रुप सिक्स सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो आपस में नॉन मेटल हैं सारे, तो ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको कोवेलेंट ऑक्साइड भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर हाईली वाटर सोलेबल, मतलब ये फौरन पानी में डिजोल्व होके जो है एसिड बना लेती हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पार्शियली वाटर सोलेबल है, होती जरूर है सोलेबल, और यही रीजन है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी बनती है। जब हम गाड़ियों में या कहीं पर भी फ्यूल बर्न करते हैं तो उन फ्यूल्स में कुछ सल्फर होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड बन के रिलीज हो जाता है कार एग्जॉस्ट में से। इसी तरह कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनके एयर में रिलीज हो जाते हैं, और ये लोग जो है ऊपर चले जाते हैं, और जब रेन होती है, बारिश होती है, तो ये पानी इनके साथ जब कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर में डिजोल्व होके एसिड बनके एज अ एसिड नीचे गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो एयर एनवायरमेंट में हमने ये एसिड रेन भी देखना है, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिविजिट करेंगे। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब फर्स्ट रेन हो सीजन की तो उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि इतने अरसे से जो ये
नॉन मेटल ऑक्साइड्स हवा में जाके स्टिल हुई भी होती हैं, जब पहली बारिश होती है तो सारी डिजोल्व होके एज एसिड बन के नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, फिर कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को तो पूछ सकते हो। जो थर्ड टाइप की अब हमारे पास ऑक्साइड है, डेट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो किन मेटल्स की बनती है या नॉन मेटल्स की बनती है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना, आपने न्यूट्रल ऑक्साइड जो है ना सिर्फ ज्यादा याद करनी नहीं है, एक तो है वाटर और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन कम है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। इनको न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना ये बेस के साथ रिएक्ट करती है, ना मतलब ये एज एसिडिक काम कर रही है ना ये एज अ बेस काम कर रही है, इसलिए इनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। और ये भी जो होती हैं वो कोवेलेंट ऑक्साइड होती हैं। दो न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये है ना हमें स्पेसिफिकली याद रखनी पड़ती है। वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, अच्छा वाटर भी एक ऑक्साइड है, किसकी ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की ऑक्साइड है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसको ऑक्साइड कहते हैं, तो वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब ये किसी भी एसिड से या बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। और फोर्थ टाइप की हमारे पास ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो के एज अ एसिड भी बिहेव करें और एज अ बेस भी बिहेव करें, मतलब अगर वो अगर बेस से रिएक्ट करेंगी तो वो एज अ एसिड बिहेव करना शुरू कर देंगी, अगर एसिड से रिएक्ट करेंगी तो वो एज अ बेस बिहेव करना शुरू कर देंगी। तो दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ फ्यू मेटल्स विच आर ड्यूअल इन कैरेक्टर। फ्यू मेटल्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स ही हैं, लेकिन अब ये सारे के सारे मेटल्स की ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नहीं होती, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं जो सबसे पहली पड़ी है, लेकिन हमें सिर्फ दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखनी है जो कि होती तो मेटल ऑक्साइड है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा लेड ऑक्साइड भी जो होती है वो एम्फोटेरिक होती है, लेकिन हमें जो है ना स्पेसिफिकली एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और क्या कहते हैं दूसरा जिंक ऑक्साइड, ये हमें याद रखना है स्पेसिफिकली कि ये जो है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सही है, अच्छा ये एज अ एसिड भी काम करेगी और एज अ बेस भी काम करेगी, मतलब अगर इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं एसिड में डाल दूँ तो वो एज अ बेस काम करना शुरू कर देगी और क्या बना लेगी, सॉल्ट एंड वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, लेकिन इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं बेस में डाल दूँ तो वह एज अ एसिड काम करना शुरू कर देगी। देखो पहले बेस काम करिए फिर एसिड काम करिए, तो ये इनकी ड्यूअल नेचर होती है। जब मैंने अल्कली में डाला है तो अल्कली में भी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी, लेकिन अल्कली में जो सॉल्ट बन रहा है ना उसका थोड़ा सा फॉर्मूला यूनिक है, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। तो ये फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना है। अब हर सिर्फ दो ही तरह की एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो दोनों के लिए आपको ना इक्वेशन लिखी दी गई है यहाँ पे, आपने ना ये फॉर्मूला याद रखना है। एसिड के साथ तो सिंपल है सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सॉल्ट बन रहा है, लेकिन बेस के साथ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन है वो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। अब अगर वो क्वेश्चन में आपको अल्कली चेंज कर दे, जैसे वो अल्कली कर दे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर आपने सोडियम की जगह यहाँ पे पोटेशियम लगा देना है बस सिंपल, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बन जाएगा। ये इक्वेशन जो है वो आपने एक तरह से रोट लर्निंग कर लेनी है, इनकी याद रखनी है। सही है, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है ना, इसका एक तो ये इक्वेजन है, इसके अलावा एक इक्वेजन और इसकी दी जाती है, मतलब यही सॉल्ट लिखने का एक और तरीका होता है सोडियम एल्यूमिनेट, वो ये वाली इक्वेजन होती है, ये जो मैंने नीचे दी हुई है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना रहा है यहाँ पे वाटर लिखते हैं लेफ्ट पे और फिर यहाँ पे लिखते हैं सोडियम एल्यूमिनेट इस फॉर्म में। तो अगर तो आपको ऊपर वाली इक्वेजन याद हो गई है तो आपको ये नीचे वाली इक्वेजन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एक इक्वेशन याद कर लो, ऊपर वाली आसान है, ऊपर वाली कर लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होती है, अच्छा जिंक का भी ऐसे ही रिएक्शन होगा जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, अगर मैं कहूँ कि जिंक ऑक्साइड जो है
एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो वैसा बेस काम करना शुरू कर देगी। जिंक ऑक्साइड में अगर मैंने HCl या इस बार एसिड चेंज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड वाटर। लेकिन अगर जिंक ऑक्साइड को मैंने एल्केली में डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम जिंक एलिमिनेट, सोडियम जिंक, जिंक एलिमिनेट नहीं कहते, एलिमिनेट तो एल्यूमिनियम होता है, तो इसका जो नाम होता है ना वो सोडियम, इसका इसका नाम एक मिनट जरा ना, ये बनेगा क्या? सोडियम जिंक O2, ठीक है, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। लेकिन ये आपने ना याद नहीं करना है ना इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन एल्यूमिनियम की हमारे पास पूछता है, ठीक है। तो बस ये दो आप हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इनके नाम याद रखने और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इक्वेजन याद रखनी है, एंड दे आर वाटर इनसॉल्युबल, ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखना। और इनमें जो बॉन्डिंग है वो आयनिक इन नेचर है, सही है? कोई सवाल, किसी का कुछ पूछना है? अच्छा, इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन वन है, कह रहा है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो अभी अभी याद किया जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच टू गैसेस डू नॉट डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग। देखो लाइमस्टोन का फॉर्मूला मैंने अभी जब फार्मर्स वाला वो क्वेश्चन कर रहे थे मैंने बताया था कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखना। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन के साथ जो है वो क्विक लाइम, स्लेक लाइम, वो या भी याद रखना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि विच टू गैसेस डू नॉट डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग। अच्छा, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने पढ़ा एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो अगर कोई एसिड ऑक्साइड जो है वो पानी में डिजोल्व होके कैल्शियम कार्बोनेट पे गिरेगी तो उसके साथ रिएक्ट करेगी, मतलब एसिड रेन की बात चल रही है। तो अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व होके कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्डिंग पुरानी जमाने की जो बिल्डिंग होती थी वो लाइमस्टोन की या जिसको हम मार्बल कहते हैं, वो अगर पानी में डिजोल्व होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो एसिड और कार्बोनेट वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन वन में कह रहा है नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड आपने ढूंढनी है दोनों ऑप्शंस में। वो कह रहा है कि डू नॉट डैमेज, मतलब ऐसी दो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें जो ऑक्साइड्स हो वो दोनों की दोनों एसिडिक ऑक्साइड ना हो, वरना एसिडिक ऑक्साइड होगी तो वो डैमेज करेगी। वो कह रहा है कि विच डू नॉट डैमेज। तो अगर मैं ऑप्शन अपना क्या कहते हैं बी देखूं, बी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ग्रुप 5 का, और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो देखो अभी हमने देखा न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो वो तो एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो डैमेज नहीं करेगी, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो डैमेज करेगी ना उसमें। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टू गैसेस दोनों की दोनों डैमेज ना करें, तो एक तो कर रही है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह सी में देखो अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये दोनों की दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों की दोनों डैमेज करेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह डी में सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड है, दोनों की दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, डैमेज करेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन का मतलब है कि N2, अब ये ऑक्साइड तो नहीं है, नाइट्रोजन तो हमारे पास एयर में 78% होता है, तो ये क्या पानी में डिजोल्व होकर एसिड बना लेते हैं? नहीं, ये ऑक्साइड थोड़ी है, ये तो डैमेज नहीं करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन ये तो न्यूट्रल है, ये एसिडिक ऑक्साइड है नहीं, तो ये क्यों डैमेज करेगी? ये दोनों जो गैसेज है ना नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों की दोनों गैसेज एसिडिक नहीं है, तो ये डैमेज नहीं करेंगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? किसी को अगर नहीं समझ आ रही है तो पूछ लो। आगे बढ़े,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें पता है एम्फोटेरिक है, पोटेशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ग्रुप वन बेसिक ऑक्साइड होती है। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड होती है, तो वो एम्फोटेरिक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आके ये गलत हो गया। ठीक है वो बेसिक होगी, तो डी ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, सी एसिडिक है, तो डी इज द आंसर। ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज विच रो करेक्टली क्लासिफाइज द ऑक्साइड्स इन द टेबल। अब ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें जिंक ऑक्साइड तुम्हें पहचानना है। जिंक ऑक्साइड जो है देखो, दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताइए ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, पहले तो ये सिलेक्ट कर लेना। कॉपर, बाकी मेटल ऑक्साइड जिंक और एल्यूमिनियम के अलावा सारी बेसिक होती है, तो कॉपर ऑक्साइड बेसिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अच्छा 43 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज नॉट करेक्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी हमने देखा कि दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल होती है पानी में। ठीक है इसने लिखा हुआ है डिजोल्व इन वाटर, ये बात गलत है ना, नॉट करेक्ट तो यही है, मतलब यही मेरा आंसर है। वो कह रहा है गलत बात कौन सी लिखी हुई है, पहली वाली लिखी हुई है। ठीक है बाकी दूसरी बातें देख लो, दे आर फॉर्म्ड ओनली बाय मेटल्स। हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाए चाहे जिंक ऑक्साइड हो जाए, जिंक भी मेटल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मेटल है, ये बात तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था उसने। सी में कह रहा है दे रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट्स, बिल्कुल वो एज अ बेस भी काम करती है, एज एसिड भी काम करती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको डालोगे तो वो रिएक्ट करेगी, एज एसिड काम करेगी तो रिएक्ट करेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। दे रिएक्ट विद एक्वस एसिड, एसिड के साथ भी करेगी, एसिड के साथ एज अ बेस काम करना शुरू कर देंगी वो, तो ये बात भी सही है, तो गलत बात कौन सी थी, ए। अच्छा क्वेश्चन 45 देखो कह रहा है फोर ऑक्साइड्स आर एडेड सेपरेटली टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली है, हमें पता है एल्केली के साथ मेटल ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगी या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगी। अच्छा ऑप्शन वन में स्टेटमेंट वन में वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1, 2, 3, 4 उसने दी, बोला विच ऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो वो रिएक्ट करेगी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है तो वो तो जाहिर है एल्केली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है अच्छा ये मैंने यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड लिख दिया, बेसिक नहीं है सॉरी, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एल्केली है ना, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या एम्फोटेरिक के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसा एसिड बिहेव करना शुरू कर देगी, और एसिड के साथ तो वो करेगा करेगा, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, लेकिन बेसिक ऑक्साइड के साथ नहीं करेगा, तो कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये दोनों की दोनों बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड तो खुद बेस होती है या एल्केली होती है, तो वो एल्केली के साथ क्यों रिएक्ट करेगी, तो 3 और 4 नहीं रिएक्ट करेगा, 1 और 2 करेगा, ए। बाकी देखो इसी तरह के ऑक्साइड्स के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े ट्राई कर लेना, आगे बढ़ते हैं।